हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल सिंह राजा। दोस्तों आज बनाने वाला हूँ, ये दूसरा ब्लॉग है और आज जो है खिचड़ी बनाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये कुकर चढ़ा दिए हैं और सबसे पहले इसमें तेल डालना है। फटाफट हम लोग डाल रहे हैं तेल। तो देखिए तेल डाल रहे हैं थोड़ा, मतलब पूरा कुकर को जो है ना ठीक है भिगो जाए, इस हिसाब से तेल को डालना है। मसाला, उसके बाद मसाला को भूंजेंगे। तो चलिए आप देखते रहिए। खिचड़ी में जो है इस गोभी को भी कट करके जो है ना देंगे, इसलिए गोभी को हल्का सा तोड़ लिया, ये बहुत बड़ा गोभी था। अब इसका जो है छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। तो चलिए तेज पत्ता मिर्ची डाल दिए हैं और ये देखिए मसाला मिर्ची, थोड़ा सा आंच लगने देंगे जिससे कि भुना जाए हमारा ये मसाला। ये पचफोरना है, गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं और भी थोड़ा थोड़ा छोटा काट देंगे, उसके बाद जो है उसमें देंगे। तो चलिए तब तक उधर आपको दिखाते हैं कहाँ प्रोसेस में है। तब तक हमारा जो है मसाला भुना को गया है, अब प्याज को डाल लेंगे। हाँ अच्छा। तो चलिए प्याज और टमाटर, ये धनिया पत्ता है, थोड़ा सा प्याज को भी भून ले देंगे। उसके बाद प्याज जब भुना जाए तब टमाटर धनिया पत्ता डालेंगे। अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, हो गया लाल। तब तक गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है और हमारा जो है मसाला भुना गया है। चलिए आते हैं देखते हैं मसाला। ये देखिए मसाला भुना गया है, अब इसमें जो है टमाटर धनिया पत्ता डालते हैं। धीमी आंच में अब थोड़ा सा धनिया का पत्ता और क्या कहते हैं टमाटर को भूनेंगे। चलिए मसाला भुनाने के बाद इसमें गोभी का छोटे छोटे टुकड़े को अब भून लेंगे। इसके बाद चावल दाल को मिक्स करके इसको अब धो लेते हैं। उसके बाद चलिए चावल दाल को अच्छी तरह धो लिए हैं और हमारा जो है मसाला भुना गया है, अब जो है कुकर में डालेंगे फटाफट। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। आवश्यकता अनुसार इसमें जो है वाटर को डाल देंगे। उसके बाद मिक्स करेंगे। अब ठीक है, नमक हल्दी सब कुछ इसमें डाल देंगे। चलो हटो। अब कुकर को जो है लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। दो सीटियां, दो सीटी जो कि लग जाए। तो दोस्तों ये खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं सब्जी है और हमारे भाई लोग खाने भी लगे हैं और मैं भी देखिए खा रहा हूँ और आपको कुकर में भी दिखा रहे हैं शॉर्ट। तो ये देख सकते हैं खिचड़ी पूरा लाजवाब जबरदस्त बना है।